Hello, class. Now, take out your English practice book and open chapter 11, The Foamy Soap. So, today we will solve all exercises of this chapter. Worksheet 1. In lesson 13, The Foamy Soap, you read about Dopey and Dopey the goat, Soapy, the toad, and the lion. Write words which describe each one of them. First one has been done for you. सो so, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बना हुआ है हेल्प बॉक्स राइट एंड इन हेल्प बॉक्स यू हैव सिक्स टू सेवन वर्ड्स यू हैव टू राइट हे ओके एज पर देर क्वालिटीज इन तीनों की क्या क्या क्वालिटीज थी उनके अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड्स लिखने हैं अब यहाँ पर देखिए डोपी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डोपी हार्ड वर्किंग था और गुड था अच्छा था है ना लायन लायन बैड था और बिग था डोपी जो टोड था सोपी वो कैसा था क्लीन ब्रेव और स्मार्ट तो बात है यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं जो भी वर्ड्स किसी भी नाउन की गुड या बैड क्वालिटीज़ को बताते हैं ठीक है उनको आप डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं राइट right? जैसे कि डोपी के बारे में बात करें तो डोपी कैसा है हार्ड वर्किंग है गुड है लायन कैसा है बिग लायन था और बैड लायन था है ना दोनों क्वालिटीज़ थी इसमें एक तो बिग था बहुत बड़ा था और दूसरा बैड लायन था तीसरा ये जो टोड है ये कैसा था हमेशा क्लीन रखता था अपने आप को क्लीन टोड था ब्रेव था बहुत बहादुर था और बहुत ही स्मार्ट था तो आपको समझ में आया कि कोई भी वर्ड अगर किसी भी नाउन की नाउन के बारे में उसकी क्वालिटीज को बताता है तो उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं राइट नाउ कम ऑन वर्कशीट टू वर्क विद योर पार्टनर फिर इन द ब्लैक्स विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्राम द हेल्प बॉक्स अब आपको क्या करना है यहाँ पर ये यह जो हेल्प बॉक्स में आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए है ना जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उनकी क्वालिटीज़ को बताते हैं उसको लिखना है सो यहाँ पर देखिए वुड वुड मतलब क्या होता है लकड़ी वुड इज़ हैवी बट कॉटन इज लाइट तो वुड की क्वालिटी क्या है कि वो हैवी होता है और कॉटन की क्वालिटी क्या है कि वो लाइट होती है राइट द एलिफेंट इज़ बिग बट द माउस इज स्मॉल जो एलिफेंट है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत बड़ा होता है बट जो माउस है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत छोटा होता है द फेरी इज़ ब्यूटीफुल बट द विच इज़ अगली जो फेरी होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है बट जो विच होती है वो बहुत अगली होती है गॉड इज गुड बट द डवल इज बैड गॉड हमेशा अच्छे होते हैं और डवेल हमेशा बैड तो ये इनकी क्वालिटीज हैं फा फीदर्स आर सॉफ्ट बट द रॉक्स आर हार्ड तो देखिए जो फीदर्स होते हैं पंख वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं और जो रॉक्स होते हैं चट्टान वो हमेशा कैसी होती हैं हार्ड होती हैं द ट्री इज ओल्ड बट द बट इज़ न्यू राइट द बॉय इज यंग बट द ग्रैंड फादर इज ओल्ड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ये जो बोर्ड लेटर्स है ना बोर्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या है आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड है ठीक है क्यों क्योंकि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ क्वालिटी बता रहे हैं अंडरस्टैंड नाउ सी हे दिस इज अ वेरी ईजी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद ओ डब्ल्यू एंड देन रीड अब देखिए हर जगह आपने आपको ओ डब्ल्यू ही लिखना है उसके बाद रीड करनी है स्टोरी तो सो लेट्स रीड द स्टोरी देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कोको द क्रो हेल्प्स हिज मदर हिज मदर वॉन्ट्स टू ग्रो कैरेट्स कोको शो कोको शोज द कैरेट सीड्स नाउ कोको इज डर्टी ही टेक्स अ बाथ ही वीयर्स अ शर्ट विच

क्रॉस वर्ड पजल फॉर ईच क्ल्यू थिंक फॉर अ वर्ड हैविंग अ ओ ए अब आपको देखिए क्रॉस पजल वर्ड दिया गया है इसमें आपको लिखना है कि इसका क्या आंसर है और वो साउंड में क्या आना चाहिए ओ ए आना चाहिए तो साउंड ऑफ लाइन जो लाइन का साउंड होता है क्या होता है रोर वी वियर इट इन विंटर्स विंटर्स में हम क्या पहनते हैं कोट इन रेनी सीजन चिल्ड्रन मेक पेपर बोट्स माई टीचर राइट्स ऑन बोड आई स्प्रेड बटर और जैम ऑन इट ब्रेड ट्रैफिक मूव्स ऑन इट रोड वी टेक बाथ विद इट सोप अ फ्रॉग लाइक एनिमल टूड इट इट्स लिटिल वन इज कॉल किड बेबी तो आपने देखा समझ में आया आपको Very good. Now your chapter is finished. Thank you so much. Bye bye.